18 से 30 करोड़ की रॉल्स रॉयस कार लेकर आया हूं, नहीं उठ रहा। इसको कह रहा हूं कि तेरे लिए दुबई में एक शानदार फ्लैट मैंने लिया है, चल। वो नहीं उठ रहा है। सारी जिंदगी तो ये गाड़ी बंगला ऐशो इशरत में रहा, अब क्यों नहीं उठ रहा? इसलिए कि उसके पास जिंदगी नहीं है। तुम्हारे पास है, इसका इस्तेमाल करो, जिंदगी के करिश्मों को महसूस करो। हाथ लगाओ सीने पर, धड़क रहा है, धड़क रहा है ना? 86,400 मर्तबा धड़कता है एक दिन में। और मजे की बात कि हर धड़कन फ्री है, हर धड़कन जिंदगी है। अगर तुम्हें कहा जाए कि तुम्हारी 3 धड़कनें स्किप कर देते हैं तो तुम्हारे पैरों की जमीन खिसक जाएगी, वो तुम्हारे पैरों में गिर जाएगा कि ना जी ना, स्किप ना कराओ। अब टोटल पैकेज देखें, देखिए कि ये जो लंग्स, ये गुर्दे, ये फेफड़े 11,000 लीटर हवा रोजाना अंदर लेकर जाते हैं। ये गुर्दे जो एक मुट्ठी में आ जाते हैं, 140 लीटर खून रोजाना फिल्टर करते हैं। ये आंखें 576 मेगापिक्सल पर काम करती हैं। आपका आईफोन 24 मेगापिक्सल का है। ये स्किन पहली लाइन ऑफ डिफेंस है आपकी, और ये ब्रेन 86 बिलियन न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर है। ये हम हंसते मुस्कुराते हैं ना, तो इलेक्ट्रिक सर्किट सिग्नल्स पैदा होते हैं। एक सिग्नल पैदा ना होना तो मिर्गी का दौरा पड़ जाएगा। कैसी नेमत है, कैसे चल रहे हैं हम। ये जिंदगी है, सोचो तो सही। याद रखना, जिंदगी दो नहीं एक है। ऐसा नहीं है कि जिंदगी जो आपको मिली है इसमें आप खा लेंगे, पी लेंगे, ऐश कर लेंगे, फिर एक जिंदगी आपको मिलेगी जिसमें आप इबादत करेंगे, प्रार्थना करेंगे। नहीं, इसी जिंदगी में हर काम ऐसा कर लेना है कि रब राजी हो जाए। जिंदगी नाम है काम का, बेकारी तो मौत है। एक बात याद रखना, जिंदगी में 40 साल के बाद आपका जिस्म खुद ब खुद मरने की तैयारी शुरू कर देता है। अरबों दफा दिल धड़क गया, काम हो गया। अब अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, बेकार खाने खाते रहते हैं, तो ये जिस्म कहता है यार ये बंदा तो खुद इंटरेस्टेड नहीं है, चलो जल्दी जल्दी प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। एक बात याद रखो कि वो बंदा जिसकी जिंदगी में इश्यूज आ रहे हैं, मसाइल आ रहे हैं, मुश्किलें आ रही हैं, इसका मतलब वो जिंदा है। वो घर के अंदर बड़ा है, ऑफिस जा रहा है, कुछ लोग उस पर डिपेंड कर रहे हैं, वेरी गुड। इश्यूज को सॉल्व करो यार। और वो बंदा जिसकी जिंदगी में इश्यूज आ ही नहीं रहे हैं, इसका मतलब वो मर चुका है। हम में से ऐसे कितने ही लोग होंगे जो 35-40 की उम्र में ही मर चुके होंगे, लेकिन उनको 70 साल की उम्र में दफनाया जाता है या अंतिम संस्कार किया जाता है। खा रहे हैं, सांस ले रहे हैं, जी रहे हैं, लेकिन जिंदगी नहीं है उनके अंदर। सोच नहीं है, गोल नहीं है, हरकत नहीं है। उनको देखकर कोई इंस्पायर नहीं होता, बस घूम फिर रहे हैं। और जब इस दुनिया में आए कुछ नहीं था, तब इतना कुछ है तो आप तो फायदे में हैं, फिर रोना किस बात का कि ये चला गया, वो चला गया। अरे शुक्र करो रब का, जिंदगी को ट्रेजेडी की स्टोरी ना बनाए, जिंदगी में एहसास की मिठास बनाए रखें, डर पर काबू रखें। अफ्रीका के जंगल की एक छोटी सी कहानी है कि टूरिस्ट गए थे, शेरों के बीच सफारी कर रहे थे। गाइड बड़ा मुस्कुराता हुआ शेरों के बीच जा रहा था, हाथ लगा रहा था, और इधर टूरिस्ट के पसीने छूट रहे थे। गाइड ने कहा, आओ आओ, डरो नहीं, इन्होंने कल रात को खाना खा लिया है, अभी ये कुछ नहीं करेंगे, आओ घूम लो, बस भागना मत वरना ये तुम्हें पकड़ लेंगे। ऐसा कुछ ना करना कि इससे इनको थ्रेट महसूस हो। वो मुस्कुरा रहा था शेरों में खड़ा, कोई पिंजरा नहीं था। वो जो बंदा था उसने कहा कि मैंने यहां पे एक बात सीखी कि हमारी जिंदगी भी तो ऐसी ही है, ये दुनिया भी तो एक जंगल ही है, शैतान है, ख्वाहिशें हैं, नफ्स है, दुनिया है, अब यहां तुम्हें किस तरह रहना है, गाइड बन के रहना है या टूरिस्ट बन के? दूसरों को सिखाना है कि शेरों से मुकाबला कैसे करना है, या शेरों से डरते ही रहना है? अगर तुमने एजुकेशन ली है, ट्रेनिंग ली है, तुम्हारे अंदर जज्बा है, तो तुम मुस्कुरा के शेरों को देखोगे और दूसरों को उनसे बचाओगे। अब तुम्हें गिरे हुए तबाह हो, तब क्या कर सकते हो? आप बहुत से काम करते हैं, लेकिन नौजवानों को चाहिए कि किसी एक खास काम पर फोकस जरूर करें। टाइम को इन्वेस्ट करना सीखें, वेस्ट नहीं। टाइम गुजर रहा है कंटिन्यूअसली, कोई अमृत पीकर नहीं आया है कि आप हमेशा रहेंगे,
सबसे सफल आदमी भी कह रहा है कि वक्त कीमती है, क्योंकि उसने उसी से सफलता पाई है। और असफल व्यक्ति भी कह रहा है, क्योंकि उसने वक्त की मार झेली है और उसी से उसने सबक लिया है। यकीन जानो, वक्त खत्म हो रहा है, वक्त खत्म हो जाएगा। ये बहुत कीमती है, कुछ करें, सोचें दोस्तों।